निकाय चुनाव को लेकर रानीपुर की सीट अहम मानी जाती है। रानीपुर नगर पंचायत काफी झांसी जनपद से दूर है। यहाँ की सीट इसलिए अहम मानी जाती है क्योंकि यहाँ से लेखराज सिंह यादव का दबदबा है। लेखराज सिंह यादव के पुत्र यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में है। हमारे साथ भगत सिंह जी हैं। भगत सिंह जी, ये बताइए आपका राजनीति में आने का कैसे मन हुआ? पुष्पन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप रानीपुर में आए हैं। और राजनीति में आने का कोई प्लान तो नहीं था, लेकिन देखा कि इस नगर की सेवा किसी पद पे आके भी की जा सकती है तो विचार आया। आप ये बताइए, जैसे आप ही के चेयरमैन रहे हैं निवर्तमान, जो आपने कितना विकास करवाया है इस नगर में? काफ़ी नगर में विकास हुआ है पुष्पन जी। आप जहाँ खड़े हैं, थोड़ी सी नीचे नज़र डालेंगे आप दोनों तरफ, आपके कैमरा मैन अगर ये दिखा सकें, अभी तक के रानीपुर के इतिहास में ये नालियाँ किसी ने तोड़वा नहीं पाई। यहाँ जो पट्टियाँ बनी थी दुकानों के ऊपर, इनकी व्यवस्था करने का काम पिछले कार्यकाल में किया है राम सखी जी ने। तो ये सड़क का चौड़ीकरण, पेयजल की व्यवस्था, किन्हीं मोहल्लों में काफ़ी व्यवस्था हुई है। नगर के लिए ऐसा कौन सा काम कराना चाहेंगे जो आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी अगर आप जीतते हैं? नगर में सबसे पहले तो अगर हमें लग रहा है कि थोड़ी सी व्यवस्थाएँ कोई फैली हुई हैं तो हमारे आने के बाद वो ख़त्म कर दी जाएंगी। और किन्हीं मोहल्लों में पेयजल की असुविधा है, ऐसा लग रहा है थोड़ा सा, कहीं जाके देखा है हमने, तो उसको पूरा किया जाएगा। उस पर काम भी चल रहा है, पिछले कार्यकाल में काम हुआ था। मंडी के पीछे कूप निर्माण होने के लिए हमने कहा है, एक जान राय मंदिर के पीछे कूप निर्माण वर्तमान में चल रहा है, उसका गहरीकरण करके पानी की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म कर दी जाएगी। बताइए आप अपना मुकाबला किस प्रत्याशी से मार रहे हैं? तमाम दल के लोग लड़ रहे हैं यहाँ से। पुष्पेन जी, आपने ये बहुत शानदार क्वेश्चन हमसे पूछ लिया है। हमारा मुकाबला किसी से भी नहीं है, जनता का बहुत प्यार और सहयोग हमें मिल रहा है। जैसा कि आप समाजवादी पार्टी में रहे हैं तो आपने निर्दलीय लड़ने का कैसे विचार बनाया? नहीं, ये रानीपुर में ये नगर का चुनाव है, लोकल का चुनाव है, मैं नहीं मानता हूँ इसमें पार्टियाँ होती हैं। सबका साथ मिल रहा है तो पार्टी कोई मायने नहीं रखती है। जैसे आपके जो मतलब आप ही चेयरमैन थे, आपके घर के सदस्य थे या जो जी वो जो विकास रह गया है, क्या विकास रह गया है जो आप अपने चेयरमैन रहते हुए नहीं करा पाए? हमारे घोषणा पत्र में है जो काम करवाने हैं हम लोगों को, जैसे इधर नरसन टीला मंदिर के पास कब्रिस्तान की बाउंड्री हो, या कई मोहल्लों में अभी जो रोड वगैरह रह गए हैं, पानी की असुविधा अगर कहीं है तो वो की जाएगी सब। अच्छा, रानी पार्क में पार्क बदहाल हैं रानीपुर में, तो पार्कों की व्यवस्था की जाएगी क्या आपके जीतने के? पुष्पन जी, आप देखेंगे पार्कों की हालत फिलहाल ठीक है, और पिछले उस कार्यकाल में इधर शमशान घाट जो बना हुआ है आप उसको देख के आइएगा, लोग वहाँ सुबह घूमने जाते हैं, इतना शानदार है। देखिए, हमारे साथ रानीपुर नगर पंचायत सीट से प्रत्याशी भगत सिंह जी, जिन्होंने अपना बात बेबाकी से रखी। पुष्पेंद्र यादव, टाइम समाचार, रानीपुर।